अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। Bye.
बिस्मिल को पढ़ा तो हमें यहाँ पे तंकीद सुनने को मिली कि ये भारतीय शायर है, ये लोग पता नहीं प्रो इंडियंस हैं या इंडियन एजेंट्स हैं, पता नहीं क्या है। इसी तरह ही जब इंडिया में JNU में और बाकी हमारे तुलबा साथियों ने फैज़ को पढ़ा तो कहा गया कि ये एंटी हिंदू शायर हैं। देखें, चाहे फैज़ हों, चाहे जालिब हों, चाहे बिस्मिल हों, ये हमारे शायर हैं, हम इन्हें ऑन करते हैं, चाहे वो बॉर्डर के उस तरफ हैं या बॉर्डर के इस तरफ हैं। ये वो सोच है जो हमें इनके साथ जोड़ती है। फैज़ जिन बुतों को गिराने की बात कर रहा है वो बुत सरमायादारी है, वो बुत फैशिज्म है, वो बुत पैट्रियार्की है, वो बुत इन रियासतों का और इन गुंडों का वायलेंस है, बुत इंपीरियलिज्म भी है। एग्जैक्टली। और हम अपने साथियों को खराज अकीदत पेश करते हैं और हम उन्हें ये श्योरिटी देते हैं कि हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, और जब तक ये बुत अर्ज़े खुदा के जो हम लोगों का घर है उससे जब तक ये बुत उठवा लिए नहीं जाते, हमारी जद्दोजहद जारी है। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि जो स्पेशली टारगेट किया गया वहाँ पर RSS की तरफ से, वो दलित तलबा हैं, वो कश्मीरी तलबा हैं, वो औरतें हैं। और ये हमें किस बात का वाजह सबूत देता है? ये हमें इस बात का वाजह सबूत देता है कि फैशिज्म पूरी दुनिया के अंदर किन से खाइफ है? वो मजलूमों से खाइफ है। यहाँ पर जो रियासत हमारी कर रही है, हमें उस हम उससे भी कोई पर्दा नहीं उसके ऊपर डाल रहे। हमारे अपने साथी आलमगीर वजीर को आज 29 दिन हो गए हैं कि वो जेल के अंदर है। और हमारे और कुछ दिन पहले हमारे एक तालिब इलम साथी, बलोच तालिब इलम साथी वहाँ बलोच को उठाया गया बगैर किसी नोटिस से, हम वो भी नहीं भूले। अगर हम कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर 16 साल, जो 16 साल वाला बच्चा कल उसकी वफात हुई, इंडियन आर्मी ने उसको अपनी गाड़ी के नीचे कुचला, हम उसको अगर नहीं भूले तो हम यहाँ पर मशक शुदा लाशें भी नहीं भूले। हम यहाँ पर जो कश्मीरियों के साथ किया जाता है उसको भी नहीं भूले। अगर वहाँ पर तालिब इल्मों के ऊपर FIR काटी गई है तो हम यहाँ पर भी सेडिशन चार्जेस नहीं भूले। हम समझते हैं कि यह लड़ाई वहाँ के मजलूमों और यहाँ के मजलूमों को मिलकर इकट्ठे होकर लड़नी पड़ेगी। अगर यहाँ और वहाँ के बॉर्डर के पार के मजलूम इकट्ठे नहीं होंगे, ना ये एशिया पुरमन हो सकता है, ना हमारे मुल्क पुरमन हो सकते हैं। और जो फैशिज्म ग्लोबली हमें नज़र आ रहा है, उस फैशिज्म के खिलाफ भी हम नहीं लड़ सकते। इसलिए हम तालिब इल्मों को जो स्पार हैं, जो स्पार हैं वहाँ पर, वो फैज़ का कलाम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम बिस्मिल का कलाम पढ़ते हैं। ये जो जुड़त है, ये जो रिश्ता है मजलूमियत का, ये जब तक मजबूत रहेगा, मोदी भी कांपेगा, बाजवा भी कांपेगा, इमरान भी कांपेगा, और ये रिश्ता आने वाले दिनों में मजबूत होगा। ये दोनों रियासतें
ये 47 से बात जुड़ी है जो हमें अलग अलग किया गया। रात को मेरे एक दिल्ली के दोस्त का पैगाम आया, मुझसे पूछता है साथी मुझे बताएं वहां पर बारिश हो रही है, लाहौर के अंदर बारिश हो रही है, और मैं यहां पर भी बारिश हो रही थी। वो सिर्फ ये महसूस करना चाह रहा था कि हम एक ही आसमान के तले हैं, वो जो आसमान है वो शेड है, तो फिर ये जो जमीन है वो जो खुदा है वो सबका एक है, तो फिर ये जमीन के टुकड़े क्यों है? तो वो जो 47 के जख्म है वो भी नहीं भरे। हम ये जानते हैं कि वहाँ के जो मजलूम लोग हैं, वहाँ पर जो तरक्की पसंद लोग हैं, वहाँ पर जो दलित हैं, वहाँ पर जो कश्मीरी हैं, वहाँ पर जो सारे मजलूम औरतें हैं, उनके साथ लाहौरियों का, उनके साथ कराची वालों का, उनके साथ पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। और ये जो दीवारें हैं, ये हम और आप, ये जो युवा है, ये जो नौजवान है, ये तालिब इल्म है, ये जो छात्र हैं, ये वो बॉर्डर जो है ये वो तोड़ेंगे, और इंशाल्लाह ये दुनिया एक दिन मजलूमों की हुकूमत होगी और ये दुनिया एक होगी। इंकलाब।